फील्ड बताइए जरा। जहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके आस पास जो ऑरा बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। और कोई और किसी का कोई व्यू? इलेक्ट्रिसिटी नो फील्ड क्या है, आप इसको ऐसे कहेंगे, और रीजन? जो जहाँ जो उसकी रेंज मतलब उसकी बेस बाहर होती चलती है। सराउंडेड बाई चार्ज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास, हम डिस्कस किया था, एक पॉजिटिव चार्ज था, है ना, आ रहा हूँ तो इसकी इसके आसपास ना एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, ये हमेशा रहता है, इज द रीजन। अब कोई पूछे जी रीजन ये कहाँ तक होता, तो हम कहेंगे रीजन ना इन्फिनिटी तक होता है कायदे में, तो ठीक है, ये इन्फिनिटी तक कर पहुंच करता है। अच्छा, दूसरा आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, मैंने ये जो डायरेक्शन बनाई है ना, देखो ऐसे इधर की तरफ बनाई है ऐसे, यानी जो एरो है ये अपने आप में बात बयां कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रीजन। अच्छा, अब ये प्लस है, अगर प्लस की जगह माइनस चार्ज को लेके आते हैं, तो भाई क्या माइनस के पास रीजन नहीं होगा अपना? हमने कहा माइनस के पास भी अपना रीजन होगा, है ना। अब लेकिन वो रीजन कहाँ तक होता? होता वो भी इन्फिनिटी तक है, लेकिन इसमें हम एरो ना देखो ऐसे बनाएंगे, यानी एरो अपने आप में एक बात बयां कर रहा है इसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में अगर आप डायरेक्शन दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ऐसे दिखाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो आप कहेंगे इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या कहेंगे आउटवर्ड। तो समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और डिटेल में जितनी जरूरत है उतना ही डिस्कशन करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ना एक आता है कुलोम्बियन फोर्स, कुलोम्बियन फोर्स, जिसका हम दूसरा नाम रखते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, और इसका नाम रखना चाहो तो आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में। देखो फोर्स क्या होता है, आप कहेंगे फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, एक क्वेश्चन इसमें बन के आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या व्हाट इज द कुलोम्बियन फोर्स, ये क्वेश्चन आएगा आपसे पूछने के लिए। तो आप आंसर क्या करेंगे इसका? अ म्यूचुअल अट्रैक्शन, अ म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज नोन एज कुलोम्बियन फोर्स। देखो कुलोम्बियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुलोम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब इसके लिए आप लेट अस एज्यूम और लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, लाइक एक आपके पास है क्यू वन हेयर, एक आपके पास है क्यू टू हेयर, एंड बोथ ऑफ द चार्ज प्लेस एज अ डिस्टेंस ऑफ आर बिटवीन देम, देन कुलोम्बियन फोर्स, जो कुलोम एक साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा, कुलोम्बियन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि जितना इन दोनों चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड होगा उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली बात है, जितने आप इंडिविजुअल चार्ज रखेंगे उनका प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा उनका जो फोर्स होगा, अपकमिंग फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा उतना ज्यादा निकल के आएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया था, एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, ओके, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी तो उसका स्क्वायर उतना बड़ा आएगा, और रेसिप्रोकल है क्योंकि इनवर्स है, तो इनवर्स इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, कोई आपसे एक रैंडमली ऐसी पूछ लेता है व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, तब भी आप यही स्टेटमेंट देंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, कि जो कुलोम्बियन फोर्स होता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्स होता है, स्क्वायर के इनवर्स, है ना। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर उतना बड़ा आएगा, फोर्स उतना
छोटा आएगा। अब जब इन दोनों को आप कंक्लूड करेंगे, इक्वेशन नंबर वन, रिजल्ट नंबर वन और रिजल्ट नंबर टू को जब कंक्लूड करेंगे, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका जो है क्या है, कूलम, ये आपका क्या है, कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है, या कूलम्बियन फोर्स हो गया, एक तरह से देखा जाए। ये हमारे पास कूलम्बियन फोर्स हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। है कोई? नो सर। आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं। एक रीजन होता है किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई भी टीचर है, टीचर एक क्लास में आता है पढ़ाने के लिए, तो एक टीचर जैसी क्लास में एंटर करता है तो बच्चे ना, बच्चों के अंदर एक खौफ होता है, किस टीचर का कुछ ज्यादा होता है, किस टीचर का कुछ कम होता है। तो वो जो खौफ है ना, उसको आप सिंपली रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, और वो जो खौफ है वो अपने आसपास एक रीजन है उसका, वो लेके चल रहा है। तो उसका खौफ आपके ऊपर अफेक्ट तभी डालेगा जब आप उस रीजन के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, या तो वो टीचर तुम्हारे पास आ जाए, नहीं तुम्हारे और टीचर के बीच की डिस्टेंस, या ऐसे मान के चलो एक टीचर है वो अपना खौफ एक 10 मीटर की रेडियस में लेके चल रहा है, यानी जहां वो खड़ा है ग्राउंड में, जिस जगह भी वो खड़ा हुआ है, वो एक 10 मीटर की रेंज में लेके चल रहा है अपने खौफ को, और तुम 11 मीटर दूर खड़े हो उससे, तो तुम निडर हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी कोलंबियन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली तुम उसके रीजन से बाहर हो। जैसे अगर यहाँ प्रैक्टिकली देखें तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें रीजन मान लो अगर यहाँ तक है, होता तो इन्फिनिटी तक है, बट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर ये यहाँ तक है और कोई चार्ज यहाँ पर है, तो क्या इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इस फील्ड की वजह से, ये जो फील्ड है ई? क्यों जी? नो सर। लेकिन जब ये चार्ज यहाँ एंटर कर गया इस रीजन में, तो भैया इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स कूलम्बियन फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू लिखी है मैंने जो नीचे लिखी है अभी, कि वो जो फॉर्मूला या फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो इतना होगा, कितना फोर्स होगा। अभी अब इस फॉर्मूले को भी और थोड़ा ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वो क्या है कि जब एक चार्ज, उस चार्ज का नाम रखते हैं सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस है ना, ये इसकी वजह से एक इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस है इसका, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और इस रीजन में ना एक गलती से कोई टेस्ट चार्ज घुसाया, उसका नाम रखते हैं क्यूटी, टेस्ट चार्ज लग रहे हैं, इसके ऊपर टेस्टिंग होगी। ठीक है, इसको इसका नाम क्या रखा हमने, सोर्स चार्ज। इसमें जो टीचर, एग्जांपल के लिए आप अपना स्कूल, स्कूल का टीचर प्रिंसिपल जो भी लेट करना चाहें, और ये आप हैं, ये स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये टीचर स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट है वो टीचर के रीजन में एंटर कर जाता है, तो इसके ऊपर एक कूलम्बियन फोर्स लगने लगेगा, जो फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, जो फोर्स दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अभी फिलहाल ये डिस्टेंस आर है, अगर स्टूडेंट जितना इसके पास आता चला जाएगा ये इन्फ्लुएंस उतना बढ़ता चला जाएगा, इस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होती चली आ रही है। दोनों को जैसे ही आप कंबाइन करेंगे ये कंक्लूजन आएगा, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू qs qt 1r2। अब आपके लिए ना ये टर्म बिल्कुल नया है, वेरी फर्स्ट टाइम आपने सुना है, इसको भैया समझ लेना। इस कांस्टेंट की अपनी वैल्यू होती है कितनी, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पहली चीज। दूसरा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में लिख देता हूं पहले, एप्सिलॉन नॉट, नॉट बेसिकली जीरो को बोल देते हैं। ठीक, वैसे ये होता क्या है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में कौन कौन आते हैं, एयर एंड वैक्यूम, कौन कौन आते हैं, एयर एंड वैक्यूम। परमिटिविटी का मायने कोई पूछना चाहे क्या होता है, ये होता है मीडियम प्रॉपर्टी, मीडियम प्रॉपर्टी। परमिटिविटी की अपनी कोई वैल्यू होती है, हमने कहा होती है,
8.85 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसकी फिक्स वैल्यू रहती है एयर और वैक्यूम के लिए। बाकी एफ आपका फोर्स हो गया, जो दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जरा यहां तक देखिए, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात हमने जो अभी कहा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने कहा ये जो फोर्स लगाया, जो हमारा फोर्स है वो तो दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब आपने कहा इसको हमने टीचर और स्टूडेंट के एग्जाम्पल से जोड़ा, तो आप सोच रहे हैं टीचर ही तो हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, हम थोड़ी बहुत टीचर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि इस हिसाब से तो ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों के ऊपर लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स है ये दोनों के ऊपर लग रहा है, यानी कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर लगा रहा है, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के ऊपर लगा रहा है। क्योंकि क्या टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड नहीं है? क्या टेस्ट चार्ज की वजह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नहीं होगा? जब वो टेस्ट चार्ज उसके रीजन में एंटर किया है तो इनडायरेक्टली टेस्ट चार्ज के रीजन में सोर्स चार्ज भी एंटर कर चुका है। बट हम यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बस ये देख रहे हैं किसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर देख रहे हैं, पहली चीज। अब आप कहेंगे इसको टीचर स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल से रिलेट करो, तो मैं आपसे कहूंगा मान के चलो आपके जो टीचर थे 10 टीचर स्टाफ रूम में बैठे हुए थे और अपनी किसी भी हंसी मजाक कर रहे थे किसी भी अपने पर्सनल बातों पे, और तुम जाते हो बिना पूछे स्टाफ रूम में घुस जाते हो, तब देखा करो क्या टीचर लोगों पे एग्जैक्टली वही इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता जैसे टीचर अचानक क्लास में आता है और बाकी सब बच्चे एकदम अलर्ट हो जाते, टीचर आ गया एकदम शांत हो जाएंगे, जो एक्टिविटी कर रहे हो वो रोक देंगे। अचानक अगर स्टूडेंट चला जाएगा तो टीचर अगर हंसी मजाक कर रहे होंगे ना तो वो एकदम रुक जाएंगे, यानी कि इसका मतलब तुम्हारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर भी पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। और एक हमने बात कही थी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि जैसे अगर हमारे पास दोनों चार्ज, मैंने कल ही बताया था लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव है ना, तो लाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे है ना, चाहे प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन हो चाहे माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन हो, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये जो कूलम्बियन फोर्स आया है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा या रिपल्सिव इन नेचर होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने चेक करना है कॉम्बिनेशन में बोथ आर अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि दोनों सेम साइन के हैं तो रिपल्सिव हो जाएंगे और अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। डिपेंड करता है कम नहीं, कम ज्यादा नहीं होगा, कम ज्यादा तो प्रोडक्ट फोर्स डिपेंड कर रहा मैग्नीट्यूड पर। अब वो उसको किस तरीके से लग रहा है, यानी वो फील आदमी तो नहीं कर सकता, वो एक दूसरे के ऊपर लगने वाला फोर्स है तो जरूरी थोड़ी है। अगर अगर मान लीजिए कोई भी टीचर फोन पे बात कर रहा है, अपनी पर्सनल बात कर रहा है किसी से, और अचानक आप आ जाते हैं तो अपनी बात कंटिन्यू नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे ही जब आप अपनी पर्सनल बात फोन पे कर रहे हो टीचर आपके पास आ जाएगा तो आप कंटिन्यू नहीं करोगे। तो वो दोनों का ही फोर्स एक दूसरे पे और एक दूसरे की वजह से जो लग रहा है ना वो इक्वल ही होता है। अब टीचर और स्टूडेंट के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा कुछ, कोई टीचर निडर है जी, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता, तो पन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, तो अब उस चीज को हम ये रिलेट नहीं कर सकते, सिंपल एक करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो एक जस्ट क्योंकि टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन बच्चों के माइंड में ज्यादा रहता है तो इसलिए मैं उसको रिलेट कर देता हूँ जनरली ऐसा, ठीक है। बट चार्जेस के अंदर ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीमो है या पजेसिव है रिसेसिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दो चार्जेस एक पेयर बना रहे हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और वो लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, यानी कि अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है मान लो 10 न्यूटन से, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा कितने से, 10 न्यूटन से, क्योंकि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके आफ्टर दिस फॉर्मूला कोई अगर वैल्यू आपकी 10 न्यूटन आती है तो वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहीं पर हमने जो बात की थी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो ई, तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्ट या इलेक्ट्रिक फोर्स की टेस्टिंग की क्यूटी के ऊपर, टेस्ट चार्ज का मतलब ये इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, तो इसके ऊपर इसने फोर्स कितना लगाया एफ और इसका खुद का चार्ज कितना था क्यूटी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कोई पूछे, कोई क्वेश्चन दे दे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास इसकी भी डेफिनेशन आ गई है ना, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है आप लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिख देता हूं, इज द
रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द चार्ज एट दैट प्लेस. यानी ये जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने इस प्लेस पे कैलकुलेट किया है, तो नहीं दिमाग में आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती रहती है प्लेस टू प्लेस? हमने कहा जी बदलती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ये किसकी थी? सोर्स चार्ज की थी ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और कम डिस्टेंस होगी तो ज्यादा होगी. तो दिमाग में आएगा क्या कोई फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ? हमने कहा हाँ है, बिल्कुल है. कैसे? देखो आपने अभी एक फोर्स का फॉर्मूला निकाला, कहाँ गया ये रहा, निकाला है ना. इस फोर्स के फॉर्मूले को यहाँ रख सकते हो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? 1/4πε0 qs qt अपॉन में r स्क्वायर डिवाइडेड बाई qt. फोर्स की जगह रख दी मैंने फोर्स की वैल्यू, तो देखो qt से qt कट गया. तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया निकल के? 1/4πε0 सोर्स चार्ज ऑन में डिस्टेंस का. तो कहने का मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सोर्स चार्ज डिपेंडेंट होती है. यानी कि अगर हमारा सोर्स चार्ज हैवी इन मैग्नीट्यूड हुआ तो उसका जो रीजन है वो उतना ही स्ट्रांग होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी. इसको अगेन एक रिलेट करते हैं कि आपके स्कूल का जो प्रॉक्टर है, जो डिसिप्लिन होल्डर है ना, या ऐसे समझ लो कुछ टीचरों से आपको स्कूल में ज्यादा डर लगता है, कुछ टीचरों से आपको स्कूल में कम डर लगता है. कुछ टीचरों के आप एक कदम पास तक चले जाते हो, कुछ टीचर से 10 कदम की दूरी ही बना के रखते हो. इसका मतलब जिसके पास ज्यादा पहुंच पा रहे हो उसका मतलब उसका फील्ड रीजन उतना वीक है, यानी आपको उस टीचर से डर उतना कम लगता है. यानी कि वो उस टीचर का जो क्यू एस है, सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू जो है हमारी, वो कम है. तो उसका रीजन क्या? थोड़ा वीक हो गया है. यानी उससे उसका अफेक्ट दूसरे बच्चों पे एज अ डर की बात कर रहा हूँ, वो कम है. वहीं कोई टीचर ऐसा है जो बात बात में बच्चों को पटाई लगाता रहता, सूखता रहता है और बच्चा डरता है उससे ना, तो वो ना क्या करता, भाई ऐसा उन टीचर से तो मेरी दूरी बली है, मैं ना दूरी रहना, मैं जा रहा पास उससे, तुझे जाना तुझे जाना. इसका मतलब क्या है कि उस टीचर का जो क्यू एस है ना, सोर्स चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तो उस टीचर की है, तुम ही तो उसमें जाके एंटर कर रहे हो, वो क्या है, वो क्वाइट हाई है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. तो इसलिए जो चार्ज है वो दूर से ही बहुत ज्यादा फोर्स फील कर रहा है, ज्यादा पास जाने की उसको जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चीजें जो हुई वो किसी एक बात पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहे हैं और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहे हैं. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कुछ टीचर्स रहते हैं ऐसे हैं, मान लो ग्राउंड में खड़े हैं और ग्राउंड में खड़े होके स्कूल के कॉरिडोर को देख रहे हैं, और तुम कॉरिडोर में खड़े हुए हो, लंच खत्म हो गया और तुम बाहर खड़े हो और टीचर नीचे से खड़े होकर तुम्हारी तरफ ही देख रहा है ना. तो तुम जबकि डिस्टेंस होगी कम से कम मान लो 100 मीटर की, यानी वहां से वो फेंक के भी कुछ नहीं मार सकता तुमको, बट वो तुमको देख रहा है और ये बात तुमने देख ली कि वो मेरे को देख रहा है. तो तुम हो सकता है उस कॉरिडोर के उस हिस्से से छोड़ के उसकी आंखों से दूर जाने की कोशिश करोगे, करोगे नहीं करोगे. और वहीं कोई ऐसा लल्लू से टीचर होते हैं ना जिनका डर नहीं होता, खौफ नहीं होता है, तो वो हो सकता है कॉरिडोर में 10 कदम की दूरी पे तुम्हारे पास में भी खड़े हैं और लंच खत्म हो गया तब भी आप वहीं खड़े होकर दोस्त से बात कर रहे हो, दूसरा दोस्त कह रहा है चल अंदर, अरे चल यार ये कुछ नहीं कहते, ही खड़ा रहा है. इसका मतलब यही है कि आप उसका जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, सोर्स चार्ज क्यू एस की जो वैल्यू है जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, उस इन्फ्लुएंस में कोई बच्चा खड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर जो वीक इंटरेक्शन आ रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग इनफ नहीं है कि जिससे वो डरे, ये मतलब इसका. अब पूछा हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलम. तो आपके लिखेंगे एक सोर्स चार्ज लिखेंगे प्लस 10 माइक्रोकुलम, ठीक है. अब इससे कहीं भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेट कर लीजिए और हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. क्वेश्चन को शुरू करने से पहले लिखेंगे वी वॉन्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर. कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी बताई थी हमने? 9×10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई सोर्स चार्ज है 10 माइक्रोकुलम -6. आपको पता होना चाहिए 1 μC माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 10⁻⁶, ठीक है. म्यू माइक्रोमीटर होगा, 10⁻⁶ मीटर होगा, माइक्रो का मतलब -6 होता है. डिवाइड बाई डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे, देन E इज इक्वल हो जाएगा
नाइन इंटू टेन, या एक टेन से एक टेन कट जाएगा, या ऐसे लिख लो 90 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻² ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म होगी, दो जीरो खत्म हो जाएंगी, 900 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। कैसे पता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक फॉर्मूला लिखा था फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम भी आप लिख सकते हैं। बताइए जरा ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज बिल्कुल ऐसे हैं जैसे दो बैट्समैन बैटिंग करने गए हैं, तो एक टाइम पे दो बैट्समैन खेलते हैं, तो अगर कोई पूछे भाई दोनों में से बैट्समैन कौन है, हम कहेंगे बैट्समैन तो दोनों ही है, लेकिन उन दोनों में से उनको कैटेगराइज किया जाता है, एक स्ट्राइकर और दूसरा नाम होता है नॉन स्ट्राइकर, या कहते हैं एक होता बैट्समैन और एक होता रनर, ऐसी तो बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे इस टाइम पे मान लो रोहित शर्मा और शिखर धवन खेल रहे हैं और रोहित शर्मा बॉल फेस करने वाला है, बॉलर जो बॉल डालेगा रोहित शर्मा फेस करने वाला है, तो उस केस में रोहित शर्मा तो बैट्समैन हो गया और शिखर धवन रनर हो गया, लेकिन अब मान लो बॉल फेंकी और एक रन ले लिया उन्होंने, एक रन लेने के बाद रोहित शर्मा इधर आ गया और शिखर धवन बैटिंग में पहुंच गया, तो अभी जो बैट्समैन था अब वो रनर हो गया और जो रनर था वो बैट्समैन हो गया, तो बैट्समैन एंड रनर बोथ आर द करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रोल प्ले क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज आर द करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि टेस्ट चार्ज वो है जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो दूसरे की वजह से, और जिसकी वजह से आप फोर्स देख रहे थे तो वो सोर्स चार्ज हो गया। तो दो जन एक दूसरे के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों ही टेस्ट चार्ज है, दोनों ही सोर्स चार्ज है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझे नहीं समझे? दूसरी चीज आपने कहा क्या ये नेगेटिव हो सकता है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा था, ये बिल्कुल हो सकता है। आप कहेंगे रिपीट अवर क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन फॉर -10 μC, यानी सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है, बस -10 μC है एट द डिस्टेंस ऑफ 10 m एट पॉइंट पी। तो आप कहेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि जब भी मैं वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है उसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है उसकी, तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं चार्ज को बिना साइन पुट करूंगा, यानी मैं चार्ज के साइन को पुट नहीं करूंगा, यानी कि 9 × 10⁻⁹ इंटू में माइनस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्लस, इस वेक्टर क्वांटिटी में साइन को पुट नहीं करेंगे, और वैल्यू अभी भी कितनी आएगी 900 न्यूटन पर कूलम। बट आप ये सोचेंगे ये प्लस माइनस का अंतर क्या रहा, फिर कुछ तो समझाइए, हमने कहा हाँ प्लस माइनस का अंतर ये होगा कि अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती है, किधर जाती है जी, दूर, और नेगेटिव के पास आती है, नेगेटिव से किधर आती है, पास, ये अंतर आएगा बस, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो सब लोग, डायरेक्शन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, दूर, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नेगेटिव चार्ज के पास।